छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा आज राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया था। अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज यह आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा तीन कृषि बिल के विरोध और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में आज राजनांदगांव जिले के ग्राम बरगा में रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया, वहीं बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। सभा स्थल से रेल रोकने जा रहे किसानों को पुलिस ने रेल पटरी पर पहुंचने से पहले ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद आंदोलन कर रहे किसान नेताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई, जिसके बाद आंदोलनकारी शांत हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए किसान नेता सुदेश टिकम ने बताया कि उनके आंदोलन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में आज पुलिस बल लगाया गया, परंतु उनका आंदोलन सफल रहा और उसके द्वारा अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत किसानों पे बीजेपी की सरकार ने गाड़ियां चढ़ा करके हमला किया। चार किसान एक पत्रकार साथी मौके पे शहीद हुए। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि इस विषय में न्याय हो, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए और जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़े विलम्ब से उनके पुत्र को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केंद्र की सरकार बड़ी बेशर्मी से अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को कैबिनेट में शामिल रखा है। इसके विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे आज हम यहाँ रेल रोकने आए हैं। जी, हमने पूरा प्रतिरोध किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुलिस प्रशासन ज़्यादा मात्रा में लगा करके है ना, हमें बलपूर्वक रोका गया है, लेकिन हम अपने मांग पर अड़े हैं। हमारा आंदोलन बिल्कुल सफल है। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, तीन काले कानून वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक के ये संघर्ष। सूचना मिली थी कि बरगा गाँव में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो मीटिंग करेगी, उसके बाद फिर जो यहाँ ट्रैक है उसमें बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करेगी। इस पर पुलिस अपना व्यवस्था पहले से ही लगा के रखी थी, पहले से बैरिकेडिंग किए हुए थे। बैरिकेडिंग के पास उन्होंने आके काफ़ी धक्का मुक्की की, इससे कुछ नेताओं को उठा के बस में बैठाया गया, उनको पुलिस थाने भेजा गया, तब जाके इनके जो लोग हैं जो आंदोलनकारी है वो शांत हुए।